मुझे लगता है कि जो गेम्स हम आज खरीद रहे हैं, लगा रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं इस किस्म की चीज़ होनी चाहिए कि एक स्पीड के आगे अगर आप जा रहे हैं तो वो जो है आपको अलार्म दे कि भाई आप खतरे में जा रहे हैं। एग्रेशन जो है, अगर ये सिर्फ तफरी के थोड़े वक्त के लिए है तो ठीक है, लेकिन उसको चैनलाइज करना और बाद में उसका एक समप होना कि भाई आपने इतने लोगों को मार दिया, ठीक है गेम के लिए तो सही है लेकिन सही जिंदगी में ये मुनासिब चीज नहीं मैं है। मैं यही कह रहा हूँ, वो छोटे से बच्चे का छोटा सा जहन, छोटा सा दिमाग उस एक्सपोजर को और उस एक्सपोजर के जरिए किए गए उस प्ले को किस तरह से लेता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कि हम ये बात को देखें कि ये बात मैंने पहले भी कही थी और बहुत अहम बात है कि जब एक इंसान अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं जानता है तो उसे बहुत एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि जिंदगी का खालीपन नहीं तो काटने को आएगा। अब ये जो गेम्स है ये उसी खालीपन को भरने के लिए है, और शॉर्टली हमारे एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं और गल्फ कंट्रीज के एक्सीडेंट्स के फिगर्स तो इतने ज्यादा सिवियर है कि जितने लोग शायद वॉर्स में मरते हैं उससे कईयों गुना लोग ज्यादा हर साल एक्सीडेंट्स में मरे जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता। तो यहाँ हकीकत ये है कि ये गेम्स का भी कहीं बहुत बड़ा हाथ है, हमारे सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयाँ स्प्रेड होने में ये गेम्स का भी बहुत अहम हाथ है। लेकिन जहाँ तक आपका ये सवाल था कि क्या है वजह कि भाई कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है कि गाड़ी आने वाली है, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि मॉरल्स जो होते हैं वो चाहे अभी बाइक मिल गई फिर बाद में कार मिल गई, हो सकता है आगे एरोप्लेन मिल जाएगा हेलीकॉप्टर चलाए, लेकिन वो मॉरल्स तो सेम रहेंगे। माँ बाप को बच्चों को वो तरबियत देना तो ही तो सदका जारिया बनेंगे बच्चे, कि भाई बच्चों को अगर वो सिस्टम बताया जाए कि देखो ये सिस्टम है, ये इंसानी जान है,